अभी अभिनव भाई को मैंने लगाया है मिर्ची काटने के लिए। अभिनव भाई काट रहे हैं मिर्ची। ऊपर आया था ना, कान बंद हो गए, ये खाने के बाद कान खुल गए सब। तो भाई यहाँ पे धर्मपुर में आ गए और यहाँ पे चैतन्य और क्रिस मिलने वाले हैं। अरे क्रिस भाई, बस मजा आ भाई तुम्हें। अरे ये कौन है? आगे वाली गाड़ी है उसमें प्रॉब्लम कुछ आ रही है, क्योंकि गाड़ी में सेल का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो बंद नहीं हो रही है, और रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा जंगल में, तो फिर ये गाड़ी को रख देंगे। है तो वैसे 4x4 पर अभी 4x4 उसका बंद है, तो जल्दी चालू हो जाएगा तब ऑफ रोडिंग पे आएगी। वैसे टेल्को लाइन में वो कुछ इश्यू आ गया है वो सेल का, तो लास्ट ईयर था भाई। हाँ जंगल में यार वो कोई अभी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्योंकि थार में भी इश्यू आ गया, सारी गाड़ियों में इश्यू है। रखी है अपन ने टाटा टेल्को लाइन, तो उसको यहीं छोड़ दिया है। फिलहाल अपने साथ में जाने वाला है क्रिस भाई और कुछ और नसीब में है, इसलिए जाना है अपने को। अभी अपन को जाना है बिलपुड़ी साइड, आर एस तो आगर भाई रेडी ट्रेकिंग के लिए। कल ही व्लॉग देखा, कल तो मुझे थी अभी थोड़ा गलती कर दिया बार बार ने यार। आधी उड़ा के बोलता है भैया उड़ा नहीं दी, अभी अभी तू पूछ रहा है मेरे को। उड़ा दिया पूरी उड़ाते हैं व्लॉगर्स एक साथ व्लॉगरों का झमेला, सब व्लॉगर है, सारे व्लॉगर एक साथ, सारे चीते एक साथ जंगल में छोड़ दिए। सही जबरदस्त दरवाजा पर ले लेना था भाई के थार भी तोड़ के आया। तो भाई अभी प्रॉब्लम ये हुआ है कि दो दिन से बारिश एकदम लगातार हो रही है, तो आगे जहाँ पे हमें ट्रैकिंग करनी है वो ट्रैकिंग वाला जो रास्ता है वो नदी में से होके जाता है, तो अगर नदी में अगर नॉर्मल से ज़्यादा पानी रहा तो भाई वहाँ से ही रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि रिस्क नहीं रहना है, वापस भी और भी जगह एक्सप्लोर करनी है, तो उस हिसाब से चलेंगे। जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक जाएंगे, वरना और भी काफ़ी सारी जगह है यहाँ पे वो एक्सप्लोर कर लेंगे। जो ट्रेकिंग का रास्ता है वो जिसको पता है वो दोनों भाई यहाँ पे पीछे बैठे हैं, पर मनी भाई आगे पता नहीं किसके भरोसे जा रहे हैं, वो हक्का बक्का हो गए पूरा और जा ही रहे पता नहीं रास्ता का पता ही नहीं चल रहा है यार। सुबह से गाड़ी लेकर दौड़ रहे, पर जाना कहाँ, रुकने का नाम नहीं लेंगे, मुझे लग रहा है वो वापस पुणे ना चले जाए। तो भाई जंगल में एंट्री हो गई है, ऊपर तो बादल दिख रहे हैं भाई, अरे अरे मजा आएगा। हाँ भीड़ भाड़ से दूर आ गए, जंगल में घुस चुके सब मोगली लोग एक साथ। हाँ सारे मुगलो करो भाई, भाई बाजू में से चिपक मत जाना भाई, भाई को क्या भाई आलम करो रो 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 ट्वेंटी पे चढ़ा दिया देखो भाई, आज सब चढ़ने के मूड में ही है। हाँ तो भाई खत्म मूडी मिल जाती है, तो भाई लेने के मूड में हो, भाई चढ़ने के मूड में। अरे बाप रे भाई, तो अभी कांटेक्ट हो गया है वहाँ के जो गांव के जो भाई थे वहीं पे ही रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई अभी तो पानी है वो फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई है, तो अभी तो आने का सोच रहे हो तो वो भूल जाओ, अपने रिस्क पे आओ, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार बनो। ये फ्लड वाली सिचुएशन है, भाई ऐसा है कि जो हिडन वाटरफॉल ट्रैक करना था ना, हाँ। तो ये जो गांव वाले की जो नदी है वो ओवरफ्लो हो रही है, तो उन्होंने लोकल ने मना कर दिया, तो एक हिल स्टेशन है यहाँ पे ऊपर विल्सन हिल के पास, वहाँ पे चलना है। ठीक है, बारिश खतरनाक हो रही है, अभी जिस जगह पे ट्रैकिंग में जाना था वो जगह पे तो अभी बहुत ज़्यादा पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ये पानी का फ्लो आप देखो, यहाँ पे तो मोबाइल ले जाने में भी डर लग रहा है भाई। ओहो, तो हेवी बारिश के कारण अभी हम मोटी कोरवल हिल स्टेशन है वहाँ पे जाने वाले हैं, तो चलो। तो भाई अचानक ड्राइवर चेंज हो गया भाई, भाई रास्ता खतरनाक है, मुझे चल नहीं रही है। मैं चलाना चले अभी ना भाई, हाँ ओ भाई सामने व्यू तो देखो यार, बादल नीचे आ गए भाई अचानक। भाई आज तो बारिश रुकने का नाम नहीं लेगी भाई, आज तो मजा आएगा तगड़ा। हाँ भाई मारो, भाई मारा भाई, चाय मिलेगा, चाय 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 चाय।
क्या बात कर पहली बार चलाई और एक तारीफ हो गई योगेश भाई महिंद्रा की गाड़ी उठाई गाड़ी पूरी ऐसे अभी जो नीचे से जो टाउन था वो क्रॉस करके हम ये हिल्स पे चढ़ रहे हैं और ये हिल वाला रास्ता बहुत ही ज्यादा सीनिक है और आसपास बादल वगैरह सब देखने को मिलेगा और हमको बादल मिलेगा बादल में से हम लोग जाएंगे बादल क्रॉस करेंगे ना आगे पूरा बादल क्रॉस करेंगे जबरदस्त जबरदस्त भाई। तो यहाँ पे अभी रुकने के लिए थोड़ा रिस्की है तो यहाँ पे रुकेंगे नहीं आगे ही चले जाएंगे ये लोग फालतू के रुक रहे पर बाइक वाले तो चलेगा उनको वो भी एंजॉय कर रहे हैं चड्डी वड्डी पहन के बादल हो गए बीच में मजेदार अभी सारी गाड़ी आ रही है एक एक करके तो मजा आ रहा है भाई थोड़ा ऊपर जाके वीडियो ले गए भाई मैं और योगेश भाई आ गए भाई सारे ब्लॉगर आ गए उभरे उभरे सारी गाड़ी आ गई है छाता की कंडीशन देखो छाता की कंडीशन ओ भाई बादल घूम रहे हैं आओ आओ बादल आपका इंतजार कर रहे हैं बादल आपका इंतजार कर रहे हैं बोल सकते हैं भाई पर मजा अलग है भाई कितनी हवा कितनी जोर से चल रही है बहुत फास्ट चल रही है हवा एकदम खतरनाक भाई बहुत ऑसम तो भाई अभी थोड़ा सा हल्का सा ट्रेकिंग करके हम ऊपर वाले हिल पे जा रहे हैं और बारिश बहुत है और बादल के बीच में अभी और धीरे धीरे जा रहे हैं कंफर्टेबल और ऊपर वाले हिल पे चलेंगे एक छोटे छोटे टेकरी वाले पहाड़ को क्रॉस करते करते आगे चले गए भाई भाई ये पहाड़ी के ऊपर गाड़ी रखती है और काफ़ी ढलान वाला है तो जैसे जैसे स्लीपरी थोड़ा रोड था और अच्छे अच्छे से चल के आ गए और ये दूसरे कोई हिल से ऊपर चढ़ गए और पूरा बादल ही बादल है थोड़ा ऊपर जाएगा तो बादल के अंदर चले जाएंगे और अभी तो आगे और कहाँ जाना है विल्सन हिल विल्सन हिल और कोरवर करके पूरा ऊपर है और भाई जबरदस्त भाई कैसी बारिश जय हनुमान अरे भाई ये कैसी बस है दमन गंगा आगे कुछ और पीछे कुछ और ये तो चकमा दे दिया भाई अभी वर्षादी देव से दर्शन कर लिए क्योंकि वर्षादी देव हमें इतने प्रसन्न हो गए कि हमें दर्शन करने के लिए वहां पे तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और अभी हम विल्सन हिल वाले रास्ते पे ले लिए और अभी हम कहा डायरेक्ट मोटी कोरवड़ जाएंगे ओके मोटी कोरवड़ तो भाई वो वर्षादी महादेव जो थे वर्षादी देव के पास से हम आगे यहाँ पे विल्सन हिल वाले रोड पे रुके हुए और यहाँ पे एक हमें जगह मिली जहाँ पे बारिश भी ना हो हवा भी ना चले और आराम से अपनी जो चाय का जो मज़ा है भाई वो मज़ा ले पाएंगे इधर तो भाई गर्मा गर्म चाय ऐसे मौसम में जो चाय की चुस्की मारने का मज़ा आएगा ना वो भाई बयां नहीं कर सकते और गाड़ी पूरी अंदर लगा दी है ताकि जो सामान वामान लेना हो वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए और यहाँ पे अभी गीले कपड़े हैं वो कपड़े तो वैसे नहाने के लिए पर हमने जो वहाँ पे वाटरफॉल से भी ज़्यादा मज़ा ले लिया था तो बादल में से गीले हो गए और अभी चेंज वेंज करते हैं चाय मैगी करते हैं और फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग ब्रेक करके आगे निकलेंगे
मनी भाई हाथ तो ज्यादा ही बारिश हो गई, रास्ते में कहाँ कहाँ बारिश मिली थी आपको? साउथ से हर जगह मिली थी ना, ये ऑगस्ट में तो हर जगह शायद बारिश होगी होगी। अरे क्या ये, अरे रखो 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 कोई बात नहीं भाई। मैगी और चाय यहाँ पे ही बनाने का प्लान है, वैसे तो पहाड़ पे बनानी, पर हवा जिस तरह से चल रही थी वहाँ पे तो मुश्किल हो जाता, वो जलता भी नहीं है। तो भाई यहाँ पे मैगी जो है वो जैसे हम बनाते थे पानी डाला मैगी डाला वैसे नहीं बनाई जाती, यहाँ पे तरीके से बनाई जाती है मैगी। कैसे बनाई जाती है? हाँ तो भाई ये सारा सामान रहता है, ये हम जड़ी बूटी लाए, कौन से पहाड़ से लाए हुए? डोलारा पहाड़ से। अरे वो वैसे तो ये सारी जड़ी बूटी हो, ये तेल है सिंग तेल, ये कांदा जो हमने काट के निकाला हुआ है, और यहाँ पे चाय तैयार हो रही है। और नरेंद्र भाई सोच रहे हैं ये पागल लोग कहाँ, ये इन लोगों के बीच में कहाँ आ गए। तो भाई ये मजा आ रहा है, यहाँ पे कचरा ना हो उसका हम ध्यान रखेंगे पूरा, नेचुरल कचरा है इसका दिक्कत। हाँ पर नेचुरल कचरा भी नहीं करने देंगे यहाँ पे किसी की जगह है तो। और मजा आ रहा है यहाँ पे बारिश के मजे लेंगे, अभी चाय के भी मजा लेंगे। तो अभी अभिनव भाई को मैंने लगाया है मिर्ची काटने के लिए, अभिनव भाई काट रहे हैं मिर्ची। काट रहे हो, सीख रहे हो या क्या कर रहे हैं? मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मुझे तो ये समझ है कि मेरे लिए तो ये छोटी मोटी बातें देती है। तो घर पे खाना आपको बनाना है शाम को, आज शाम का खाना अभिनव भाई बनाएंगे। भाभी और पापा ब्लॉग देख रहे हैं वो अभी, बस आशा खाना अभिनव भाई बनाएंगे शाम का, ठीक है? ये देखो मेरे से काटना सीख गए। किसको मारने चले? लठ लेके कहाँ चले? लठ लेके भाई किसको मारने? हाँ जो ज्यादा ऊंची आवाज करते उसको। नहीं नहीं भाई पेला जाएगा। चलो चीयर्स मनी भाई, चीयर्स 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 टू दिस ट्राई। ओके चीयर्स टू दिस ब्यूटीफुल लोकेशन, चीयर्स टू ऑल द फ्रेंड्स हियर। तो भाई मनी भाई भी अभी यार ये टमाटर वमाटर काट रहे हैं, तो सारा जो सामान है वो रेडी हो गया, वो जाएगा मैगी में, मतलब मसाले से भरपूर मैगी बनने वाली है। भाई फोटो लो भाई, लो भाई लो। मनी भाई रेंटेक पड़ी है ना, बस 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 डालो डालो जमा के डालो। चटकदार एकदम चटकदार, इसका कलर देख के भाई कपड़ा बचा के एकदम। यार सारी मैगी अंदर डाल दी है, सारे मसाला पहले प्रिपेयर किया, वो लगभग 15-20 मिनट तक तो उसको भुना गया, मसाले को एकदम अच्छे से बनाया गया, फिर ये मैगी तैयार होगी। और ये जो जिसने खा ली ना वो जिंदगी भर याद कर, वो हमारे जिंदगी भर वो हमारे वो अमर हो जाएगा। हां उसके बाद साउंड देखो, बहुत जल्दी फेंक रहा है। हां बहुत जल्दी फटाफट बन रहा है। जबरदस्त, उसका मजा ही अलग आएगा। भाई अभी जो हमने मसाला वसाला जो बनाया था, किसने बनाया था? फैजल भाई ने। तो भाई ने एकदम परफेक्ट जो संतुलन में सब डाला था मसाला वसाला जो लग रहा था, चटक उसके हिसाब से बरोबर है। बारिश का भी अभी प्रभाव बढ़ गया है पर मजा आ रहा है, गर्मा गर्म मैगी है, कान खुल गए सब। भाई शरीर के सारे छेद काम कर रहे हैं। भाई अभी वापस से गाड़ी में बैठ गए, वो पीछे जो जगह थी वो हमने क्लीन करके एक भी कचरा नहीं छोड़ा, जो भी कचरा था साथ में ले लिया हमने, चमका दिया ना। और तेजस भाई वो वापस चले गए, ये कचरा भी साथ में ले लिया हमने, कचरा भी साथ में रखा है, ठीक है। हां कचरा मैंने साथ में रखा हुआ है, कचरा हमने छोड़ा नहीं है। तो भाई अभी अभी जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं? मोटी कोरवड। तेजस भाई गए हो क्या आप? अरे नहीं गए भैया। योगेश भाई नहीं गए भैया कभी,
आज पहली बार हम इसका एक्सपीरियंस लेंगे। सीधा जाओ फटाफट।